हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और एकदम से मस्त होंगे। दोस्तों हम जा रहे हैं ड्यूटी को। ड्यूटी को जाते जाते आज मैंने सोचा कि एक ब्लॉगिंग करी जाए। आज थोड़ा सा लेट जाने का प्लान बनाया था ड्यूटी का, तो मैंने सोचा एक ब्लॉगिंग करी जाए जाते जाते। और बस एट टाइम कब मिलता नहीं ब्लॉगिंग के लिए। आप लोग के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सुबह सुबह कभी ड्यूटी के टाइम पर लेट जाना पड़ता है, कभी दिन में टाइम जो होता है ब्रेक के टाइम पर भी बाहर निकलना पड़ता है। क्योंकि एक आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों कि सुबह सुबह ब्लॉगिंग में अभ्यास करूँ और अपना प्यार अपना सपोर्ट भी भाई को देते रहें, जिसके आपके भाई आपके लिए नई ब्लॉगिंग करते रहे, रोज डेली ब्लॉगिंग लाते रहे डेली रूटीन का। मेरी दोस्तों उसके लिए आपका प्यार आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आपका प्यार आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भाई तो वीडियो तो बना के बेकार ही है ना, और वीडियो बेकार ही है भी, मेहनत भी बेकार है। इतने मेहनत करने के बाद आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर भाई तो फिर भाई वीडियो बनाते रहेगा, वो वहीं पर रह जाएंगे अपने घर में ही, बाहर ना निकलेंगे। और जब तक वीडियो बाहर ना निकले और तब तक तो फिर कुछ मज़ा ही ना आए भाई। तो इसलिए ज़रूरी है कि किसी को भी घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी तो दुनिया देखेगी। कहते हैं ना, जब कोई हम जॉब करने जाते हैं, जब हम घर से बाहर करेंगे या स्कूल पढ़ने जाते हैं तो घर से बाहर निकलेंगे, तभी तो हम स्कूल पढ़ पाएंगे। और जब हम घर से बाहर निकलेंगे तभी हम जॉब कर पाएंगे। तो घर से बाहर निकलना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि आदमी को एक कहते हैं ना स्ट्रगल, उसके बाद स्ट्रगल करने के बाद ही मेहनत ना मिली तो फिर तो वही स्ट्रगल ही करते रह जाएगा इंसान। तो इसलिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी को, मेरे को नहीं हर किसी। इसलिए वो बात आगे वीडियो पे, अब घुमा फिर आगे मैं सही कहीं जाना वीडियो पा रहा हूँ। अब जब मेरी वीडियो अपने घर में ही पड़ी रहेंगी, आप लोग का सपोर्ट आपको प्यार ही नहीं मिलेगा, तो वीडियो में भाई की तो मेहनत बेकार ही हो जाएगी भाई। सुबह की हो या दिन की रात की हो, कब की हुई वो है। इसलिए भाई को भी अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दीजिए करें, जैसे कि आपके भाई एक नई ब्लॉगिंग करें, है ना। जैसे कि आपके भाई को बहुत जोश आए, जैसे भाई बुरा नहीं बना। एक कहते हैं कि जब हिम्मत मिलती है, जब आपका प्यार और एक कमेंट एक लाइक तो कहते हैं ना एक जोश बढ़ा देता है। कमेंट लाइक ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आदमी जोश मिलता है। कहते हैं ना घर में जब कोई आदमी जॉब करने जाता है, उसे नहीं कहता गुड लक बेस्ट ऑफ लक, तो उसमें उसको जोश मिल जाता है कि वो कहाँ तक पहुँचे क्या पहुँचे बात की बात है, और उसे जोश मिल जाता है कि यार हाँ कि मुझे बोला सबने, इसलिए वही जोश एक हिम्मत आ जाती है कि हाँ यार मुझे मेरा भाई बहनों का प्यार मिल रहा है, इसलिए और ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। तो उसके लिए थोड़ा सा अपना कीमती समय ज़्यादा नहीं मांग रहा दोस्तों, मुझे पता सभी लोग बिजी हैं, व्यस्त होते हैं, टाइम नहीं होता भाई लोगों के पास। थोड़ा सा एक कीमती समय जब भी मिले आपको एक बार वीडियो ज़रूर देखें, और देखने के बाद कमेंट लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और गलती है वो तो होती बता दीजिए। ऐसा नहीं कि अच्छा करना है तो गलती, हम तो गलती भी करो गलती करेंगे तो आप जब बताओगे तभी हमें और एक वो मिलता है कि हाँ यार कि यहाँ मैं इससे गलती हुई, मैं इसे और अच्छी तरह सुधारूँ, और आप बताओगे तो मैं और अच्छे बनाऊँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी ब्लॉगिंग साउथ कोरिया के बारे में आपको पता लगे, यहाँ के हर चीज़ के बारे में, वो मैं हर ब्लॉगिंग में आपके साथ शेयर करते रहूँगा यहाँ का, क्योंकि काफ़ी समय मेरे को हो गया कोरिया में रहते हुए। और क्योंकि ये नहीं कि आज मैं केवल यहाँ पे ब्लॉगिंग के लिए ही कोरिया में आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ काफ़ी समय से हूँ और काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये नहीं कि एक दिन देख के मैं ये गैस नहीं कर सकता कि यह अच्छा है बुरा है, क्योंकि एक दिन देखे तो कोई भी नहीं कर सकता कि क्या अच्छा है। ये हो सकता है कि कंट्री थोड़ी दूर से दिखने वाली बात है कि हाँ यार ये साफ सुथरी, इतना ही बता सकता है। एक दिन का जब काफ़ी आप लंबे समय से रह जाते हैं तो आपको वहाँ के बारे में अच्छा अनुभव हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, सच में जो कहते हैं लोग वो सही भी होता है नहीं भी होता है। इसलिए कि समय तो हम कहीं भी रहें, जैसे हम लंबे समय से रह जाते हैं कभी बहुत टाइम हो जाता है हमें वहाँ रहते हुए, उनके बारे में पता लग जाता है कि यार ये क्या अच्छा है क्या बुरा। हम एक दिन जाएंगे तो हम देखेंगे तो हमें अच्छा ही लगे, एक दिन के लिए तो कोई इतना वो नहीं कर सकता कि उसे बुरा लगे, बुरा लग सकता है। कोई भी कहीं जाए एक दिन उसको सब अच्छा ही लगे, कोई ये नहीं गैस नहीं कर सकता कि बुरा लगे। मैं काफ़ी समझता हूँ इसलिए अच्छी तरह जानता हूँ क्या वो अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा धीरे धीरे, पर आपका प्यार आपका सपोर्ट बहुत जरूरी चाहिए। आपका प्यार आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो
कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं क्या कोई कितना बड़ा यूट्यूब में बनने वाला, क्यों यूट्यूबर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। जो तो आपका प्यार आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई कितना बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकता। जब आपका प्यार आपका सपोर्ट मिलेगा तभी वो आगे पहुँच पाता है, क्योंकि सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। जब तक प्यार नहीं दे, सपोर्ट नहीं दोगे ना आप किसी को भी, तो नहीं आगे बढ़ पाएगा। मैं चाहता हूँ जैसे प्यार आ जाए सपोर्ट आप सबको देते हो, वैसे प्यार वैसे सपोर्ट थोड़ा मेरे को भी दी, मेरे लिए भी निकाले अपना कीमती समय, मुझे भी दीजिए अपना थोड़ा सा प्यार, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा प्यार, जैसे कि आपके भाई भी सभी यूट्यूबर की तरह आगे बढ़ पाए। मैं नहीं चाहता मैं बहुत आगे जाऊँ, नहीं, थोड़ा बहुत भी हो गया इस फील्ड में, मुझे बहुत खुशी मिलेगी आपका प्यार आपका सपोर्ट से, मुझे थोड़ी बहुत भी आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी और मैं बढ़ पाऊँगा। तो इसलिए जब तक आप प्यार आप सपोर्ट नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में अपनी बताता हूँ, हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि अपने भाई को प्यार करें, सपोर्ट करें, और ज़्यादा नहीं थोड़ा सा टाइम निकाल दें जिससे कि आपके भाई आगे बढ़ पाए। जो आपके भाई की मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी, क्योंकि हर जगह मैंने पहले भी बताया था कि जब तक हम मेहनत करने के बाद उसको मेहनत का फल नहीं मिलेगा ना तो मेहनत बेकार है। इसलिए दोस्तों अपने भाई के लिए थोड़ा टाइम निकालें और अपने भाई को थोड़ा सा प्यार दें जिससे कि आपके भाई आगे बढ़ पाए। और मैं एक पूरी है कि हर वीडियो ब्लॉगिंग आपके लिए अच्छी से अच्छी लास्ट वास्तु बता सकूं, और आपको पूरे के बारे में क्या चीज़ जाननी है जो आपने कभी देखी किसी वीडियो में वो आपको पसंद नहीं आई या वो कुछ ऐसा लगा गला लगा, तो आप मैं उसके बारे में भी आप मुझे बोलोगे तो मैं वो कमेंट करके वहाँ जाके वो किसके बारे में भी बताऊँगा। सही में जो वीडियो आ रहे हैं सही है गलत है उसके बारे में बता सकते, क्योंकि मेरे काफ़ी समय से इतने लंबे समय से काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, कोरियन लोकल हैं, कोरियन जो अच्छे दोस्त हैं, जो जिनको अच्छी तरह नॉलेज है, जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ हम इंडिया से रहते हैं, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, सॉरी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड के बारे में पूरा पता है कि क्या है क्या नहीं है। और मुझे शायद पता नहीं होगा तो मेरे मम्मी पापा को बताऊँगा, मेरे दादा दादी को बताऊँगा, तो वहाँ के बारे में अच्छी नॉलेज दे सकता है, हमें अच्छे बारे में बता सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोग अच्छे दोस्त हैं मेरे यहाँ, और उनसे मैं संपर्क करके आपके लिए वो वीडियो जो आप बोलोगे उसके बारे में पूरे डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। और फिर वही घुमा के बात कर रहा हूँ, भाई को सपोर्ट करना ना भूलें। और इसीलिए आज मैंने सोचा है ड्यूटी जा रहा हूँ सुबह सुबह, रोज़ जाते हैं ड्यूटी को तो रोज़ ही जा रहे हैं सुबह सुबह, बट क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता दोस्तों, सुबह जाना पड़ता है, बाहर की नौकरी दिखने में भी अच्छी होती है, करने में तो जो करते हैं उनको पता होता है अच्छी है बुरी है। इसके बारे में डेली वही मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जिस दिन बाद टाइम उसकी भी आएगी मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। ऐसे कोई नहीं कि कैसी लाइफ होती है ये ब्लॉगिंग, केवल अभी मॉर्निंग टाइम में ड्यूटी जा रहा था, चलो मैंने कहा थोड़ा सा अपनी बातें आपसे शेयर करता हूँ यहाँ, क्योंकि प्रदेश में क्या होता है कि शेयर करने का ऑप्शन ही नहीं होता बात का, या तो आपने अपने फैमिली से बात शेयर करोगे या तो आप दोस्ती से बात शेयर करोगे, और इतना टाइम होता नहीं, कभी कभी फ़ोन करने का टाइम नहीं होता, ड्यूटी में इतने बिजी हो जाते हैं, इतनी लंबी ड्यूटी हो जाती है कि हमें बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम अपनी बात भी किसी से शेयर करें। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर वालों को फ़ोन भी आता हम रिसीव नहीं कर पाते, दोस्तों का फ़ोन आता रिसीव नहीं कर पाते, तो इसीलिए थोड़ी बोरिंग हो जाती प्रदेश की लाइफ। तो मैंने सोचा चलो जाते जाते उठती थोड़ी बात भी शेयर हो जाएगी, थोड़ा सा मन भी लग जाता अपने भाई के साथ अपनी बात शेयर करने से, और ड्यूटी में भी हम पहुंच जाएंगे अपने टाइम पे। इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा मैंने कहा ब्लॉगिंग करते, थोड़ी बहुत आपको कोरिया के सुबह सुबह का व्यू भी दिखाते हैं, आपको दिखा भी होगा काफ़ी अच्छा व्यू है, मॉर्निंग व्यू, और ये सब भी है मेट्रो सब भी, वहाँ से रोड क्रॉसिंग करने में टाइम लगता है, कम से कम 10-15 मिनट वेट करना पड़ता, इसलिए मैं सबवे से निकल जाता हूँ कि टाइम की बचत हो जाती है, और जहाँ सबवे से होता हूँ वहाँ तो वेट करना ही पड़ता है, इसीलिए आराम आराम से धीरे से निकल लो, और ठंड काफ़ी है, और काफ़ी पहले बर्फ़ भी गिरी थी, जैसे मैंने आपको बर्फ़ की वीडियो भी आप शेयर करी थी आपके साथ, और उसको भी जरूर आपने प्यार दिया था, अच्छा प्यार मिल रहा है, उम्मीद करता हूँ और अच्छा प्यार मिलेगा मुझे अपने भाई को, भाई बहनों को बहुत विश्वास है,
और जैसा प्यार मुझे और वीडियो में मिला है उससे भी अच्छा प्यार मुझे उम्मीद है, और क्योंकि भाई बहन अच्छा प्यार दे रहे हैं। अभी मैं एक नया रिटो रहा हूँ, नए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और कम समय में अच्छा प्यार आप अपना सपोर्ट दे रहे हैं भाई लोग, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आपका प्यार आपका सपोर्ट है तो तभी मैं एक ब्लॉगिंग करने के जोश मुझ में आ रहा है, इसलिए मैं नई ब्लॉगिंग करने हिम्मत निकाल रहा हूँ। अपनी इतनी लंबे ड्यूटी होने के बाद भी आपके लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ। आपका टाइम आप सपोर्ट नहीं मिले मिलता तो हिम्मत किसी को भी नहीं आती है, मुझे क्या किसी को भी नहीं आती है। कोई भी किसी फील्ड में काम कर रहा है कुछ ना कुछ होता है जिससे किसी और ज़्यादा हिम्मत आती है, तो इसलिए ज़्यादा ज़्यादा मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग करते हैं। आपको दिख रहा होगा थोड़ी शायद लाइट हो रखी है, गाड़ियाँ लाइन में खड़ी हो रखी है। आने वाले समय में ट्रैफिक के बारे में भी ब्लॉगिंग करूँगा धीरे धीरे, क्योंकि एक ब्लॉग एक वीडियो में बनाने को तो एक वीडियो में सभी बता दूँ तो क्या होता है वीडियो लंबी हो जाती है और वो मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको ट्रैफिक के बारे में भी। आने वाले समय में जितनी चीज़ें मैंने बोल रखी हैं वो उसके बाद मैं पार्ट बनाते रहूँगा, वन पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट करके मैं हर ब्लॉगिंग बना रहा हूँ आजकल, उसी से आगे स्टार्ट करूँगा। और अभी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया ट्रैफिक के बारे में बताऊँगा मैं आपको हर बार हर पार्ट में, जहाँ से मैं ट्रैफिक की वीडियो बनाऊँगा तो फिर मैं दो चार पार्ट ट्रैफिक के बारे में बताऊँगा, आपको बोर नहीं करूँगा। और आजकल अर्जुन लंबे लंबे जैकेट पहन के चलते रहते हैं इसीलिए कि ठंड काफ़ी है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता ही है ठंड कितनी होती है, जो शायद घूमने आएंगे उनको पता होगा कि ठंड कितनी होती है कोरिया में, और जो आने वाले होंगे उनको पता लग जाएगा कि ठंड कितनी होती है। आज थोड़ा सा हल्का धूप निकल चुकी है लेकिन धूप कैसे लग रही है नहीं है, ये देखिए वो जाते हैं तो हमें टाइम बन जाता है कि हमें इतने मिनट में वहाँ जाना ही जाना है, तो उसकी आदत तो उसका कितनी कोशिश भी करते हैं ना हम लोग कि हम धीरे से चलें तो हमसे नहीं हो पाता। कोशिश बहुत करता हूँ कि यार मैं जब ब्लॉगिंग करूँ वीडियो करूँ आपको धीरे से चलूँ और शायद आपको वो चीज़ और क्लियर दिख जाए, पर थोड़ी आदत से हूँ फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं धीरे से चलने की। और जो कि आपको दिख रहा होगा पीछे का व्यू आज का लोग भी काफ़ी दिख रहे होंगे ड्यूटी आते जाते हुए और गाड़ियाँ भी दिख रहे होंगे जैसे मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखिए कहीं कहीं पर अंधेरा जैसा आ रहा होगा, फीस भी नहीं आ रहा होगा ऐसा भी है। और मास्क तो भाइयों जब से कोविड हुआ तब से मास्क ही लगाया, यहाँ बीच में कम हुआ ज़्यादा हुआ उसे कोई मतलब नहीं, यहाँ के लोग ने मास्क अभी तक गवर्नमेंट ने बीच में बोल भी दिया था कि आप मास्क नहीं लगाना चाहते तो बाहर वो भी केवल जब बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करोगे तो आप मास्क लगाओ, लेकिन बाहर जब जा रहे हो आप तो आप नहीं भी लगाओ तो चलेगा। लेकिन यहाँ की जनता शायद मुझे लगता है दो तीन लोग होंगे, वो दो तीन परसेंट या एक परसेंट होंगे जो नहीं लगाते होंगे बाहर, लेकिन सब आपको यहाँ दिखेंगे कि मास्क में ही दिखेंगे। यह कि आप एक फॉलो करते हैं रूल फॉलो करते हैं जो जब तक इनको पता है, रूल की बात भी नहीं है सबसे बड़ी चीज़ की, इनको जो लगता है कि गलत है वो नहीं करते हैं। क्या रूल फॉलो, ये तो सब रूल तोड़ने के लिए होते हैं जब तक तोड़ो फूलो चलाओ, बट ये लोग एक सोचते हैं कि यार ये चीज़ से हमें सेफ्टी तो वो करते हैं लोग, कहने का मतलब ये है कि ये सेफ्टी बहुत करके रखते हैं, तो इसलिए जब से कोविड चला है तब से सबको आपने मेरी वीडियो में जितनी देखी होंगी ज़्यादातर वीडियो में आप मास्क ही देखा होगा, जो मेरे घर के नज़दीक नज़दीक होंगे वहीं पर शायद मास्क नहीं होगा, और जहाँ कहीं लोग नहीं होते वहाँ मैं मास्क निकाल देता हूँ, और ज़्यादातर वीडियो में मास्क ही मिला। और जिस दिन क्या होता सैटरडे संडे शनिवार इतवार को पब्लिक कम होती है यहाँ पर, तो उस दिन जो मैंने ब्लॉगिंग करी होगी उसमें मास्क नहीं होगा क्योंकि सभी लगाते फिर एक आदमी ना लगाए तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर क्या कहते हैं ना आप पब्लिक में रहते हो आपको 100 आदमी जा रहे हैं मास्क लगा के और एक आदमी नहीं जा रहा है तो सही नहीं है, फिर ऐसा लगता है ना बेवकूफ़ सा इंसान, तो इसलिए भी वो ज़रूरी हो जाता है। कहीं पर सेफ्टी ज़रूरी है, कहीं पर लोग बीच में रहते हैं वहाँ ज़रूरी होता है, कि ये नहीं लगे कि यार इंडियन है ये ऐसी केयर नहीं करते। क्या होता कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ अपने देश की भी छवि खराब हो जाती है, तो इसलिए उस हिसाब से भी करना पड़ता है, और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी तो करना पड़ता है और करते भी हैं।
तो इसलिए थोड़ा सा वो भी रहना पड़ता है, ये चीज़ है। और आगे आपको दूर दिख रहा होगा, वहाँ काफ़ी लोग हैं, नीचे दिख रहा होगा। ये आप यहाँ पर अगले वीडियो में लेके जाएंगे, ये वीडियो आपको शेयर कर जाएगी। सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है, रात के 10 बजे का टाइम है, उसका जाइए लोग काफ़ी दूर हो गए, तो बच्चों को तो काफ़ी सभी लोग वहाँ बच्चे पूरे इन्जॉय करते हैं। सभी मतलब जहाँ भी अगली वीडियो यही की होगी आप लोग के लिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ मैं ये वीडियो पक्का बनाऊँगा आपके लिए, ये जो चीज़ें मैंने बोल रखी वो वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, प्रॉमिस है आपसे बहुत। क्योंकि वो भी मेरा सुबह जाता था ड्यूटी को, मैंने देखा था काफ़ी दिन पहले, फिर बीच में बना था फिटिंग करने के लिए, तो आई सी वो बीच में बना था, फिर क्या हुआ बीच में वो तोड़ दिया इन्होंने, शायद प्रॉब्लम होगी। वो बना था 20 दिसंबर के बाद शुरू हुआ वो, क्योंकि क्रिसमस आने वाली थी, क्रिसमस के उसमें बना था कि पब्लिक काफ़ी होगी और लोग खेलने कूदने आते करके, फिर बीच में क्या हुआ शायद वो 1 जनवरी तक मैंने ठीक देखा, 1 जनवरी के बाद मैंने 5 जनवरी के बाद उनको रिन्यू करते हुए देखा, उसको तोड़ते ताड़ते फिर बर्फ फिर बिछाए उन्होंने, वो तो अच्छा बनाया। कल रात भी मैंने वहाँ विजिट किया था 10 बजे के बाद, तो बंद था पर वो बना रहे थे उसको, पर आज मैं देख रहा हूँ चालू हो चुका है। उसके बाद उसकी डिटेल बाद में बताएंगे आपको, शायद उसकी वीडियो छोटी होगी। देखो अभी मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ, अभी मैं घर से निकला था, जैसे मैंने गलती 18 मिनट हो चुके हैं, वो भी घर से आधे रास्ते थोड़े आधे रास्ते में पहुँच गया, तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी, क्योंकि रूम से मैं ब्लॉगिंग करता तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि रूम से होटल बना लूँगा, तो मुझे ध्यान आया क्या यार भाई लोग के लिए थोड़ी जाते हुए बातचीत शेयर करी जाए, जाए तो रहा हूँ मैं ड्यूटी और एक ये ब्लॉगिंग भी हो जाएगी और दोस्तों के साथ अपनी बातचीत भी शेयर हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा यार अब मैं क्या कर रहा हूँ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और वहीं से बस रोक गया। नहीं तो मैं आज आपको अपने रूम भी दिखाता और रूम कैसे सूर्य का घर कैसे होते हैं उसके बारे में बताता, पर वो बस चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में आज अगले वीडियो में आपको बताऊंगा रूम घर के बारे में। और फिर मैं चलो आज यहीं से शुरू कर लेते हैं, और मेरे ध्यान ऐसे आगे दिमाग पर जाते 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 ऐसे चलते रहो, ना किसी से बात करना ना किसी से, तब निकल दो काफ़ी लंबा समय उससे बस भी जाती है, जाने को आप टैक्सी में जाते हैं, कभी टैक्सी में चले जाते हैं, कभी बस में चले जाते हैं, बट मेरे ध्यान आया चलो आज चल पैदल ही चलते हैं, क्या हुआ कभी कभी पैदल भी चलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, सुबह सुबह की बात होती है। और जिसमें मेरे को रात को ब्लॉगिंग करनी होती है आप लोगों के साथ, एक नई ब्लॉगिंग बनानी होती मुझे कुछ अच्छा दिखा जाते हुए, तो मैं रात को पैदल भी आ जाता हम लोग ड्यूटी को, नहीं ड्यूटी से घर को, तो उसमें कुछ दिख जाता है और अच्छी चीज़ें मिल जा देखने में मिल जाता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले पहले देख लेना, कभी हम बस में ही जाते हैं, हाँ यार यहाँ अच्छा हो रहा है, कुछ नया हो रहा है यहाँ, तो हमें सोचते हैं कि रात को आज पैदल चलेंगे और यहाँ की वीडियो बनाई जाए जो अपने भाई के भाई बहन के साथ शेयर करी जाए, क्योंकि भाई बहन भी थोड़ा सा इन्जॉय ले और थोड़ी एक चीज़ और मिल जाए काफ़ी, क्योंकि बीच में ठंड हो गई थी, काफ़ी ठंड हो गई थी, तो रात को जाने का टाइम तो मिला, एक हिम्मत नहीं आई ठंडे से काफ़ी, क्योंकि एक्चुअली क्या ना जेब से हाथ ही बाहर नहीं निकल रहे थे, जब हाथ ही बाहर नहीं निकल ठंडे से तो ब्लॉगिंग करेंगे कैसे, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी ठंड कम होने दो तो बनाएंगे। अभी तो बनाए भी था, कोशिश भी करी थी एक बार, ठंड में गए थे हम मार्केट में और उसकी ब्लॉगिंग शेयर करी हमने, दिन में कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कभी मिल जाता है तो हम चले जाते हैं शॉपिंग के बहाने, और यार चलो हमने शॉपिंग करना है शॉपिंग करते हैं, तो चलो ठीक है जाओ हम शॉपिंग करने जाओ, तो करके हम चले आते दिन में और थोड़ा सा बोलो वीडियो बना लेते हैं। क्या करो दोस्तों टाइम निकालना पड़ता है बहुत है, कि इतनी लंबी ड्यूटी होने के बाद भी आप लोग के साथ हर बात शेयर करने के लिए टाइम ऐसे निकालता हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, जिस वजह से बिजी लाइफ होती है उसके बावजूद मैं आपके लिए टाइम निकालता हूँ, क्योंकि मैं अपने भाई बहनों के साथ अपनी बारे में बता सकूं, शेयर कर सकूं, यहाँ के बारे में बता सकूं, यहाँ के बारे में शेयर कर सकूं, यहाँ के व्यू नए नए भी दिखा सकूं, सबसे बड़ी बात है
की कोरिया का व्यू दिखना है ना, तभी तो ये देखो आपको दूर दूर तक दिख रहा होगा गाड़ी चलते हुए। देखिए सुबह लोग ड्यूटी भी जाते हैं, देखो हमें दिखा भी देखो, ये दिख रहा होगा आपको दूर ड्यूटी जा रहे हैं। अभी किस्मत अच्छी हुई, एक किसी को लाइट मिली मेरे को और सब ग्रीन लाइट ही मिली। अरे ये यहाँ तो नहीं तो दो चार मिनट खड़ा होना पड़ता है, इसलिए तो बहुत थोड़ी खराब ही चल गई अभी ये है। अब पहुँचने वाला हूँ अपने मंजिल पे, एक मंजिल पे तो पहुँचने वाला, दूसरी मंजिल तो आप पहुँचाओगे एक मंजिल में, यहाँ उसके बारे में बताऊँगा फिर मंजिल में मैं यहाँ तक पहुँचने का कितना समय लगा, कैसा मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उसके बारे में भी आपको बताऊँगा धीरे धीरे, सभी शेयर करूँगा आपके साथ। और पर आपका प्यार आपका सपोर्ट ऐसे मिलते रहे तो बताऊँगा। ये अब हम पहुँचने वाले हैं, एक लाइट होती है उसके बाद हम रोड क्रॉसिंग कर लेते हैं, और रोड क्रॉसिंग करने के बाद फिर हम आराम से पहुँच जाते हैं। टाइम अभी काफ़ी है, दो मिनट रुका के आपको दिखाता हूँ क्यों, फिर चलता हूँ और फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉगिंग में आपका प्यार आपका सपोर्ट से नई ब्लॉग में। वो ब्लॉगिंग कहाँ की होगी जैसे कि मैंने आपको बताया था वो सीक्रेट है, वो सिस्टम बताऊँगा कि मैंने बीच में बता रखा आपको, शायद आप मेरे वीडियो पूरा देख रहे होंगे आपको पता लग जाएगा कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। अब मैं आपको एक जो अपना जहाँ पर जॉब करता हूँ वहाँ के दिखा देता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, आने का।